भाई डर गया ये। ओ भाई बता बता कहाँ लगी? कुछ नहीं, आराम से आराम। कहाँ लगी बता? पेट में लगी है? आराम से हो गया। तो हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइज बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 2 महीने से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरे पास कोई बाइक नहीं है एंड बहुत सारा मेरा एग्जाम चल रहा था, अभी भी एग्जाम चल रहा है। इस बीच में भाई एक कोशिश की मैंने व्लॉग बनाने की, अब व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है ऑफ रोड का, क्रेजी ऑफ रोड का। और मैंने एक न्यू बाइक ली तो मैं दिखाता हूँ, अब से हम उसी में ऑफ रोड करने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल मशीन है, तो मैं दिखाता हूँ कौन सी वाली होने वाली है। तो गाइज जितने भी लोग मुझे मिस करते यार, आई एम सॉरी कि मैं नहीं ला पाया व्लॉग, बट अब से रेगुलर व्लॉग लाने की कोशिश करूँगा। तुम भी भाई सपोर्ट करना पहले जैसा, ठीक है? बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बना पाया यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि मेरे पास बाइक नहीं थी। बहुत मुश्किल से मैंने ये बाइक लाई है, ड्यूक 390 है। ये 2000 पता नहीं कौन सा मॉडल है, बट BS4 है। बट इसमें जो पावर है ना कसम से, और इसमें अभी एक दो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फ़ैन वगैरह चल नहीं रहा। ओ भाई बहुत ज़्यादा पावर है बता। लेट्स गो गाइस। ओ भाई साहब पावर तो बहुत ज़्यादा है इसमें, बट संभालने वाला होना चाहिए भाई। बाइक बहुत ज़्यादा हीट मार के बंद हो जाती है, इसलिए मैं अभी थोड़ा बहुत इसको चेक करा रहा हूँ। ठीक हो जाएगी ना जब प्रॉपर, फिर करेंगे इससे क्रेजी ऑफ रोड। अभी तो ब्रेकिंग वगैरह ABS वगैरह ऑफ रखे हो मैंने इस पर। एक और सैड न्यूज़ है, तुम्हें पता है निंजा हमारे पास थी, अब निंजा हमारे पास नहीं रही कुछ टाइम तक के लिए। मतलब अक्टूबर तक के लिए हम निंजा तुम्हें हमारे साथ दिखने नहीं वाली। तब तक के लिए हम तुम्हें इसी बाइक से दिखाएंगे व्लॉग्स वगैरह, ऑफ रोड वगैरह जो भी है। भाई यार एक तो बहुत लेट हो चुके, पता नहीं अब टाइम से पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। ऊपर से इस बाइक ना रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हीट होकर बंद हो जाती है पता बार बार। और ऑफ रोड में तुम्हें पता है कितनी बाइक हीट मारती है। तो चलो देखते हैं आज ये क्या करती है, 390 का पावर देखते हैं ऑफ रोड पर। साथ साथ हमारी एक और बाइक जा रही है वैसे, ये देख रहे हो 250 भी साथ साथ जा रही है। दोनों बाइकों का कंपटीशन करेंगे आज। बहुत टाइम बाद सिद्रा का मुंह देखा पता है, बहुत टाइम बाद। बाइक मैं भगा नहीं सकता, वरना मैं तुम्हें इसकी असली पावर दिखाता यहीं पर पता है। तो ये बाइक हीट होकर गर्म हो रही है, पता नहीं यार ऑफ रोड कैसे चलाऊँगा। भाई बजालता छोड़ो, आधे रास्ते में हमारा पत्नी कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसमें ना एक फ्यूज़ उड़ गया यार शायद। अब पत्नी कौन सा फ्यूज़ उड़ा है, सेल्फ नहीं उठा रही है पता है। इसके आते हुए 3 फ्यूज़ उड़ गए, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहीं से वायर टच हो रही है। हाँ ये देखो इसका ना फ्यूज़ उड़ गया हुआ है यार। यार अब मैं कैसे करूँगा। हाँ स्टार्ट तो हो गई, पर पता क्या है हीट बहुत ज़्यादा मारे, जिसकी वजह से ना बार बार ये इसका कोई ना कोई फ्यूज़ उड़ रहा है। इसको ना मुझे कंपनी एक बार चेक कराना पड़ेगा। आज का ऑफर पता नहीं कैसे होगा इस पर यार, रात भी पड़ गई देख रहे हो अंधेरा कितना ज़्यादा हो गया। भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पता है, मैं इस जगह को बहुत मिस कर रहा था भाई। लगभग लगता है 2 महीने बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इन दिनों में से बारिशें भी हुई हैं। अब पता नहीं आगे जो जहाँ हम ऑफ रोड करते थे उस जगह की लोकेशन कैसी होगी। कहीं पर गर्मी में वैसे वहाँ दलदल आ जाती है, अब पता नहीं आई होगी नहीं होगी। पर ये जगह बहुत चेंज हो गई पता है, पहले ऐसे नहीं थी यार। प्रॉपर बाइक ठीक होती ना फिर मैं उसको प्रॉपर ऑफ रोड पर लेके जाता पता है। इसको मैंने टायर खरीद रखा ना जो इसके लिए, कसम से तुम देख के पागल हो जाओगे। उस टायर वो सिर्फ ऑफ रोड के लिए टायर है, सिर्फ उसमें इतने ना वो ग्रिप्स बनी हुई हैं। तो मैं दिखाऊंगा मैं व्लॉग में दो नेक्स्ट वाले, पर आज का ऑफ रोड तुम इस पर देखो कैसा ही होगा। गाइस ऑफ रोड तो मैं आ गया भाई साहब, यहाँ पर होता है बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई, पत्थर ही पत्थर हैं। अबे रुक मत आगे, चल आगे चल भाई। यहाँ जो स्लिप हो गए ना बंदा पता है कितना गिर रहा है। पहले यहाँ चिकट होता था तो लगती नहीं थी, आप पत्थर बाहर आ गए हुए हैं। ओ भाई साहब अब आगे जाके थोड़ी बाइक दबाएंगे, बाइक खींचते हैं। बट पता प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये देखो ना यहाँ पर इतना ज़्यादा धूल हो गई हुई है। लोग उसको पीछे कर तो देखना आगे से। हाँ भाई देखो देखो कहाँ से जा रहे, देखना ओ भाई स्लिप पता है कितना हो रहा है, पता है क्यों? देखो मिट्टी की वजह से ना टायर पूरा ऐसे चल रहा है। अब मैंने ऑफ रोड का टायर भी ला के रखा हुआ है घर पे, वो बच गया था यार। ये कहाँ रह गया, थोड़ी थोड़ी जगहों में पानी है ये देखो नीचे की ओर, पर ये देखो ना पूरी देखो कितनी सूखी मिट्टी है, यहाँ थोड़ी टायर चल सकता है यार। गाइस पहले ना इधर यहाँ से आप पहले पता है इस एरिया में तुम्हें पता है कितना वो था। ओ भाई ओ ओ भाई ओह भाई, पहले पता है इस एरिया में कितना ज़्यादा चीकर था, पर अब यहाँ पर देखो कितना ऊपर देखो कितना धूल उड़ रहा है, कितना ज़्यादा धूल हो गया हुआ है। इधर आ अब यहाँ स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करेंगे। इसको पहले थोड़ा आगे भेजता हूँ ना। ओ भाई देखो कितनी धूल है, तू आगे जा।
भाई कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, देख रहे हो कितनी ज्यादा धूल उड़ा उड़ा। ओ ओ ओ भाई ये क्या, इतनी ज्यादा धूल ना कुछ दिख भी नहीं रहा। बहुत टाइम बाद आए हैं तो पता है क्या, मेरी बाइक हीट मार रही है। मेरी बाइक वैसे 390 है, इसकी बाइक 250 है। इसमें ना सब कुछ ओके है, पहले इसको बोलते हैं कि लाने के लिए ये लेके आ रहा है। और यार पता है क्या प्रॉब्लम है, देखो हम रोड व्लॉग नहीं ला पा रहे, बट कुछ और दिन है उसके बाद हम रेगुलर ऑफ रोड के व्लॉग क्रेजी वाले लेके आने वाले हैं। तो मैं वैसे एक और बाइक परचेज करूँ तो मैं पता लग जाएगा कौन सी बाइक परचेज करने वाला हूँ, तुम लोगों के सामने करूँगा। बट आज का ऑफ रोड इन्जॉय करो, और जितने भी लोग यार न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। देखो मेरा घर बहुत दूर है, यहाँ मैं सिर्फ एक व्लॉग बनाने आया हूँ इतना दूर, पता है। तो मैंने पहले इसको भेजा है ड्यूक 250 में देखने के लिए। पता है प्रॉब्लम क्या है यार, एक तो आप बंदे भी कम हो चुके हैं ना, इसका भी चेंज सेट का, मैं एक भी बाइक प्रॉपर ठीक हो ना फिर बंदा यहाँ से, अब देखो यहाँ से बाइक लेके आएगा ये। अब सूरज वैसे डूब गया हुआ, देखते हैं कितनी उड़ती है। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, डर गया ये। ओ भाई ओ ठीक है ना, लगी है, लगी कहाँ पर, कहाँ लगी है बता 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 कहाँ लगी। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, आराम से आराम से। कहाँ लगी बता, शिट्टी यार तूने भाई कहाँ छोड़ी, कहाँ लगी, पेट में लगी है। आराम से आराम से आराम से, हो गया हो गया, आराम से आराम से, रुक जा रुक जा रुक जा, पेट में लगी है, रुक जा आराम से, लेट जा आराम से, लेट जा आराम से। तूने क्या किया, आराम से आता ना यार, आराम से बैठे थे बैठे थे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी, रुक जा रुक जा, बैठे थे, हैंडल बजा ना आराम से। हाँ ठीक है ना, रुक जा तू, लेट जा आराम से। तुझे पता क्या, पीठ में, पेट में, रुक जा पीठ में बजा शायद यार, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा, रुक जा। इसको उतार दे, ये इसकी वजह से ही हो रहा है, उतार दे इसको यार, रुक जा, दो मिनट का दर्द है, रुक जा एक मिनट। तूने पता है गलत के हैंडल बजा तेरे उधर, पता है भाई, डर गया मैं भी यार, तूने रुक जा वो देखते, रुक जा एक मिनट भाई, कुछ बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा कुछ ना हो जाए ना, अभी यहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पता है। अच्छा तेरी हड्डी वड्डी में तो तोड़ने लगी, कमर पे लगी ना, रुक मैं कमर देख, तेरी बाजू में ऑलरेडी लगी हुई है, रुक जा ये हाथ दे मेरे को, रुक जा बस आ जा, दिखा इधर लगी है पीछे, मालिश करूं पीछे, दिखा ये छोटी सी है यार, रुक जा हड्डी में लगी है, कहाँ लगी है, रुक जा रुक जा रुक जा, बहन जो इतना खतरनाक करना नहीं चाहिए ना, तो पानी भी ले आते ठंडा, आराम से सांस हो रहा ना लेने, अब है अब ली जा रही है, आराम से दो मिनट रेस्ट कर, आराम से, या पास में पानी भी है, टेंशन मत दे, बैठे दे, थोड़ा बहुत तो शांत हो गया अभी है ना, ठीक है ना अब। बट एक चीज़ दिखाऊं, ये देखना एक मिनट, हाथ दे भाई, इसने पता नहीं किस तरह से बाइक छोड़ी है, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, ये वो चीज़ देखो, और मेन चीज़ पता है पीठ में लगने वाली थी, अब बच गया वैसे, चलो ठीक है तू रेस्ट कर ठीक है, बाइक का देखें ठीक है, उठाऊं तेरे को, फ़ोन टूट गया भाई, किस्मत देखना इसको, इसको कितने, तूने फ़ोन क्यों रखा था जेब में, मेरे को दे देता यार, पकड़ इसे, आ जा ठीक है ना, आ तेरे को बाइक दिखाता हूँ, आ तेरा तो सारा कस्सा हो ही गया, बाइक का देख के आते हैं, आ जा कुछ नहीं होता, आ जा जा आराम से, बना था स्टंटमैन, हवा में उड़ने जा रहा, हवा में उड़ने जा रहा, ऐसे एक पता है तेरे को खिंच पड़ गई है तो सीधी हो जाएगी गाइस, बाइक वो तब की बाइक कौन पड़ी हुई है भाई, तुझे क्या लगता है बाइक का कुछ टूटा होगा, बाइक का नहीं मुझे लगता कुछ टूटा गाइस, बाइक तब की होना, ये देखो यार उठा के देखें, अब गाइस देखते हैं उठा के, रुक जाओ सिलेंसर कहाँ आ गया, ये भाई सिलेंसर टूट गया गाइस इसका, देख रहे हो
बाकी कुछ नहीं हुआ बट सिलेंसर गया इसका घर में बहुत गाइस, सिलेंसर की ऐसी तहत ऐसी हो गई यार। बाकी बच गई है ना पूरी, इसे थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। एक बार मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं इस बाइक में ना कितनी ज़्यादा पावर है, अभी तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ ठीक है। थोड़ा मैं उड़ा के देखता हूँ कैसे उड़ती है ठीक है, हाँ देखते हैं कैसे उड़ती है ठीक है, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। मैंने बहुत टाइम से वैसे उड़ाया भी नहीं है यार। ओ बच गया, गिर ही गया था पता, कैसे उड़ेगी देखते हैं यार। यहाँ पता है जगह बहुत हार्ड हो गई हुई है, पीछे से जंप पड़ रहा है पता है। तो भाई यहाँ देखो तुम लोगों के लिए पता है इतना रिस्क लेते हैं, और ये देखो अगर यहाँ पर कुछ हो जाए, यहाँ पर कोई आगे पीछे है भी नहीं, वो पूरा सुनसान एरिया पता है यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं यार। तुम लोगों के लिए तो सपोर्ट कर दिया करो ठीक है। एक मिनट रुको मैं एक चीज़ देखता हूँ यहाँ से यार। अच्छा यहाँ से तो इसने ऐसा होना ही था यार, क्योंकि पता है यहाँ पर सीन क्या, रुको यहाँ से आता हूँ रुको एक मिनट। ओ भाई गया नहीं उठेगा रात तक मुझे लग रहा है। इधर ही ठीक है, अच्छा से हवा भी अच्छी चल रही है, मच्छर नहीं आएंगे इधर। नहीं डाले टेंट अपना, आपसे ना टेंट रखा करेंगे, जब जैसे कभी हो जाए ना यहीं सो जाया करेंगे। अंधेरा पता है बहुत हो गया हुआ है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ से करते हैं ब्लॉक को दिया। इसको भी लग गई है शायद, हॉस्पिटल लेके जाना पड़े ये तब का। बल्ले बल्ले आराम से कोई आ जा, ये तब से उठ नहीं पा रहा यार। तो यार इतने दिन बाद ब्लॉग बनाने आए थे, फिर से कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। चला बाइक में बैठ आराम से, मैं तुझे पानी वाली जगह लेके चलता हूँ।